हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इस्क इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 12 स्प्रिंग इज कमिंग के क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, क्लास 5 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न, जो आपने पाठ पढ़ा है, जो बोध क्या है, समझा है, उसके आधार पर आपको जो है क्वेश्चन आंसर बताने हैं। कॉम्प्रिहेंशन इन बोध प्रश्न, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डज अ वीवर डू, एक वीवर जुलाहा क्या करता है। और आंसर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा, यह इस लेसन का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर 3 की आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो नंबर फर्स्ट में लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समरी बताई गई हो, और दूसरे वीडियो में जो है क्वेश्चन आंसर है, और तीसरे वीडियो में लेसन से संबंधित जो ग्रामर होती है वो करवाई गई है दोस्तों। तो तीनों वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें। व्हाट डस अ वीवर डू, वीवर डू, वीवर मतलब होता है जुलाहा ना, जुलाहा क्या करता है। व्हाट यानी क्या, डज हेल्पिंग वर्ब, डू यानी करना। तो एक जुलाहा जो है वो कपड़े बुनता है ना। अ वीवर, अ जुलाहा, वीव्स यानी बुनता है, क्लोथ्स यानी कपड़े। एक जुलाहा जो है कपड़े बुनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फ्लावर्स आर मेंशन इन द पोयम, पोयम में जो है कौन कौन से फूलों का जिक्र किया गया है, कौन कौन से फूलों के बारे में बताया गया है। मेंशन का हिंदी मतलब होता है उल्लेख करना, है ना। तो कौन कौन से जो है फूलों का उल्लेख किया गया है, विच फ्लावर्स यानी कौन कौन से फूल, मेंशन यानी बताया गया है, उल्लेख किया गया है, दिस यानी इस, पोयम यानी कविता, इन यानी में, इस पोयम में किन किन कवि किन किन फूलों के बारे में बताया गया है। तो पेंसिस, लिलीज एंड डेफोडिल्स फ्लावर्स आर मेंशन इन दिस पोयम, है ना दोस्तों। इनके बारे में जो है बताया गया है, इन जो फ्लावर्स के बारे में। पेंसीज का हिंदी मतलब होता है वनसफे, लिलीज यानी कुमुदनी, डेफोडिल्स का मतलब होता है पीले रंग का जो नरगिस का फूल आता है उसको डेफोडिल्स कहा जाता है। आर यानी है मेंशन, है ना, उल्लेख करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर जॉयफुल एवरीवेयर, व्हाई यानी क्यों, इज यानी है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, जॉयफुल यानी खुशनुमा है, आनंदित, एवरीवेयर यानी सब जगह, सब जगह आनंदित एटमॉस्फेयर वातावरण क्यों है। तो क्यों है, वो इसलिए कि स्प्रिंग आने वाली है, इसलिए, है ना। द एटमोस्फियर इज जॉयफुल एवरीवेयर, सब जगह जो है एटमोस्फियर या वातावरण बहुत ही आनंदित है, बिकॉज यानी क्योंकि स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग आ रहा है। आपका आंसर सिर्फ इतना सा है दोस्तों, स्प्रिंग इज कमिंग, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन से लिया गया है। द एटमोस्फियर, है ना, फिर एटमोस्फियर, एटमॉस्फेयर के बाद आपको इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर जॉयफुल एवरीवेयर, है ना, हर जगह खुशनुमा है, और फिर उसके बाद स्प्रिंग इज कमिंग, ऐसे लिखना है आपको, है ना। आप यदि इतना लिखते हैं बिकॉज स्प्रिंग इज कमिंग तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, ये पूछा है कि जो पूरा वातावरण आनंदित क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि स्प्रिंग आ रहा है, बसंत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हुम डज द पोएट आस्क टू मेक अ नेक्स्ट एंड वाई, होम यानी किससे, पोएट यानी कवि, आस्क यानी पूछता है, मेक यानी बनाना, नेक्स्ट यानी घोसला। आस्क का हिंदी मतलब, आस्क का हिंदी मतलब पूछना भी होता है और कहना या बताना भी होता है। तो यहाँ पर आस्क का मतलब होता है कहना, है ना। कवि किससे जो है घोसला बनाने को कहता है और क्यों कहता है, वाई यानी क्यों, मेक यानी बनाना। तो द पोएट आस्क, कवि कहता है, बर्ड्स यानी पक्षी को,
टू मेक नेक्स्ट घोंसला बनाने के लिए, टू का अर्थ हो रहा है पर के लिए, मेक यानी बनाना, नेक्स्ट यानी घोंसला, बिकॉज यानी क्योंकि, दे मेक नेक्स्ट इन द स्प्रिंग क्योंकि वे जो है स्प्रिंग में ही वसंत ऋतु में ही उनके घोंसले बनाते हैं, इसलिए वह कहता है कि स्प्रिंग आने वाली है, स्प्रिंग आ रहा है, पक्षियों अपना घोंसला बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज नेक्स्ट मेड ऑफ, एक नेक्स्ट जो है वो किसका बना हुआ होता है, मेड ऑफ का हिंदी मतलब होता है किसका बना हुआ होना, है ना, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, नेक्स्ट यानी घोंसला, यानी मेड ऑफ घोंसला जो है किसका बना हुआ होता है, तो एक घोंसला जो है तिनकों का है ना और घास फूस का बना हुआ होता है ना, नेक्स्ट मेड ऑफ स्ट्रा एंड फीदर्स, फीदर्स का और स्ट्रा का बना हुआ है, स्ट्रा यानी घास फूस वगैरह इसका बना हुआ होता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ऑल अराउंड इज इन फेयर, कवि यू क्यों कहता है कि सब दूर जो है फेयर यानी बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है ना, अराउंड यानी चारों तरफ, इन फेयर यानी बहुत ही सुंदर है ना, बाय ऑल अराउंड यानी सब जगह, इन फेयर यानी बहुत ही सुंदर है, इससे कवि का क्या तात्पर्य, मीन बाय का मतलब होता है तात्पर्य होना, व्हाट यानी कवि, पोएट यानी, व्हाट यानी क्या, पोएट यानी कवि, सब जगह जो है बहुत सुंदर है, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, तो ऑल अराउंड इज फेयर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, फेयर है वो, टी लिखा गया है, ऑल अराउंड इज फेयर मीन्स जो इज एवरीवेयर, सब जगह जो है फेयर है, इसका मतलब है कि सभी जगह जो है खुशी है, जो यानी आनंद, इज यानी है एवरीवेयर यानी सभी दूर, ऑल अराउंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इस पोयम का केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र भाव होना, ऑफ दिस पोयम इज कविता का, व्हाट इज यानी क्या है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम इज डिलाइट ऑफ द डिलाइट जॉय ऑफ स्प्रिंग, कि इस पोयम का जो है केंद्रीय भाव ये है कि बसंत ऋतु की जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वो इसका मतलब है ना, डिलाइट यानी खुशी है ना, ऑफ यानी का स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु की खुशी इसका जो है केंद्रीय भाव है। दोस्तों आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आया, चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।